नमस्कार दोस्तों, अगर आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में पुलिस खड़ी है, यदि आपके सामने कोई दूसरा रास्ता है तो ये 100% तय है कि आप उस दूसरे रास्ते से जाना पसंद करेंगे। आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों है? क्यों लोग पुलिस को देखकर सुरक्षित महसूस करने के बजाय घबराते हैं? आज की वीडियो में हम जानेंगे इस सब के पीछे की असल वजह, लेकिन सबसे पहले जानते हैं एक पुलिस वाले की लाइफ क्या होती है। तो बता दीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को सब दबाते जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूँ? या मेरे माँ बाप थोड़ी है, इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही आ रही बहुत द्वारा। मैंने कुछ दिन पहले अपने पास के पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाले से उसकी लाइफ के बारे में जानना चाहा। कुछ देर बात करने के बाद उसने रोते हुए मुझसे बस एक ही बात बोली कि वो कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे कभी पुलिस में आए। दोस्तों, एक पुलिस वाले को 12 से 16 घंटे काम करना होता है, वो भी बिना किसी वीकली ऑफ और ओवर टाइम पेमेंट के। किसी भी पुलिस वाले को 24 घंटे जॉब के लिए अवेलेबल रहना पड़ता है। हम लोगों के लिए होली और दिवाली एक त्योहार होता है, लेकिन एक पुलिस वाले के लिए ये एक सख्त ड्यूटी होती है, और कई बार तो इन त्योहारों के दौरान उन्हें सोने तक को नहीं मिलता। छुट्टी तो बहुत दूर की बात है। 1947 से लेकर आज तक लगभग 35,000 पुलिस के जवान ड्यूटी के दौरान शहीद हुए हैं, लेकिन आज की डेट में पुलिस की हालत काफी दयनीय है। इनका सामाजिक जीवन तो एकदम खत्म है ही, साथ ही साथ हफ्ते में कोई छुट्टी भी नहीं मिलती। जितना एक नेता को पेट्रोल का खर्चा मिलता है, उतनी इन पुलिस के जवानों की सैलरी होती है। इतना सब होने के बाद भी जिसके लिए जवान 16-16 घंटे काम करते हैं, आखिर में जाके उसी से गाली मिलती है। इतनी सारी समस्याओं के बाद भी भला कोई इस डिपार्टमेंट की हालत पर ध्यान क्यों नहीं देता? इसके पीछे के कारण जानने के लिए हम कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां से वास्तव में कहानी की शुरुआत हुई थी, यानी सन 1857। दोस्तों, 1857 में पहली बार भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, जिसमें अंग्रेजों को काफी नुकसान हुआ। इसके बाद अंग्रेजों के लिए एक चुनौती थी कि इस तरह का विद्रोह कभी दोबारा रिपीट ना हो, इसलिए अंग्रेजों ने 1861 में पुलिस एक्ट पास किया, जिसका काम लोगों की हेल्प करना नहीं बल्कि उनके ऊपर पावर जमाना था, उनको कंट्रोल करना था। और वही सिस्टम भारत में 1861 से अभी तक चल रहा है, क्योंकि सच तो ये है कि हमारे देश को आजादी कभी मिली ही नहीं, बस सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। जो नियम अंग्रेज अपने लिए बनाकर गए थे, वही नियम आज भी बड़ी शान से जनता के ऊपर थोपे जाते हैं, क्योंकि सरकारों का उद्देश्य आज भी वही है जो अंग्रेजों का हुआ करता था, कि किस प्रकार देश की जनता को पुलिस की पावर का इस्तेमाल करके कंट्रोल किया जाए। क्या आपको पता है, जब कोई राज्य सरकार पावर में आती है तो वो सबसे पहला काम क्या करती है? चलिए मैं बताता हूँ, प्रदेश के बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर। अब आप पूछोगे उसके पीछे कारण क्या है? कारण सिर्फ एक ही है, कोई भी नेता अपने आसपास केवल उन लोगों को चाहता है जो उसकी हाँ में हाँ मिलाएं। फिर उन्हीं पुलिस वालों की पावर को इस्तेमाल करके किसको जेल में डालना है, किसको छोड़ना है, इन सब चीजों पर फैसले लिए जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, जब भी कोई सरकार पावर में आती है तो विपक्ष के लोग अलग अलग मामलों में जेल जाने लगते हैं। हमारे देश की पुलिस की हालत एक कठपुतली से भी बदतर है, क्योंकि इसको अनपढ़ नेताओं की उंगलियों पर नाचते रहना पड़ता है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर, पोस्टिंग और प्रमोशन ये सब नेताओं के हाथ में रहते हैं। किसी पुलिसमैन का प्रमोशन या ट्रांसफर इस पर डिपेंड नहीं करता कि वो कितना काबिल और मेहनती है, बल्कि इस पर डिपेंड करता है कि वो नेताओं की कितनी बात मानता है। देश में कई सारे डिपार्टमेंट हैं जो एकदम आजादी से काम करते हैं, यानी इनमें सरकारों और नेताओं का कोई इंटरफेयर नहीं होता, जैसे इंडियन आर्मी, न्यायपालिका, इलेक्शन कमीशन। यही वजह है कि इनमें फिर भी लोगों का विश्वास बना हुआ है। लेकिन जिस विभाग में नेता हाथ डाल देते हैं ना, उस विभाग का बुरा टाइम चालू हो जाता है, क्योंकि हम और आप मिलकर अनपढ़ लोगों को चुनकर भेज तो देते हैं, लेकिन फिर यही अनपढ़ लोग जाके पढ़े लिखे और कड़ी ट्रेनिंग के बाद आए जवानों को बताते हैं कि उनकी ड्यूटी क्या है और किसको अरेस्ट करना है, किसको नहीं करना, किसकी FIR लिखनी है और किसका इनकाउंटर करना है। आप
पुलिस को देख लेने की धमकी देने वाला ये शख्स दक्षिण मेरठ का बीजेपी प्रभारी संजय त्यागी है। Shouting at the top of his voice, asking a female officer to shut up, ordering her to stay in her limits. पुलिस डिपार्टमेंट में नेताओं की इसी दखलंदाजी से परेशान होकर एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने 1996 में सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डाली। ये अधिकारी थे उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP प्रकाश सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने उस PIL को एक्सेप्ट भी किया और DGP प्रकाश सिंह वो केस जीत भी गए। फिर 22 सितंबर 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनका पुलिस प्रशासन पर कोई दखल नहीं होना चाहिए और कुल 7 आदेश सारे राज्यों को दिए गए, जिनमें से पहला आदेश था स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाया जाए। इस कमीशन का काम था कि वो देखे कि राज्य सरकार द्वारा पुलिस पर किसी तरह का दबाव न बनाया जाए। दूसरे और तीसरे आदेश में था कि जो भी सीनियर पुलिस अफसर हैं, उनका किसी भी राज्य में कम से कम 2 साल से पहले ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ये आदेश इसलिए दिया गया था क्योंकि अक्सर देखा गया है अगर किसी सरकार को किसी अधिकारी का काम पसंद नहीं है तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है और ऐसे अधिकारी को बुलाया जाता है जो उनकी कठपुतली बनकर रहे। चौथे आदेश में था कि जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर का काम है उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाएं। पांचवा आदेश था कि एक पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बनाया जाए जो कि सारे ट्रांसफर्स और प्रमोशन को देखेगा। छठा आदेश था कि पब्लिक के लिए पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाई जाए जहां आम लोग पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकें। सातवां आदेश था एक नेशनल सिक्योरिटी कमीशन बनाई जाए जो कि नेशनल लेवल पर सारे प्रमोशन और ट्रांसफर की जांच करेगा। उस वक्त तो सबने इन आदेशों को मान लिया लेकिन जमीनी स्तर पर किसी भी राज्य ने इन आदेशों का पालन नहीं किया, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी नेता क्यों चाहेगा कि उसके हाथों से पुलिस का कंट्रोल छिन जाए। देश में सुरक्षा व्यवस्था की हालत ये है कि 663 लोगों की सुरक्षा का जिम्मा एक पुलिस वाले पर है और दूसरी तरफ एक नेता की सुरक्षा के लिए 3 पुलिस वाले लगे हुए हैं। हालत इतनी बुरी है कि आधे से ज्यादा कांस्टेबल इन नेताओं ने अपने घरों में लगा रखे हैं। कोई इनका सिलेंडर भरवा रहा है, कोई इनका खाना बना रहा है, कोई इनकी बीवी को बाजार छोड़ने जा रहा है। इनके घर का काम करते करते पुलिस बंदूक में गोली कैसे डालनी है वो भी भूल जाती है। यहाँ परीक्षा चल रही है, थोड़ी अलग तरह की परीक्षा इस बात की है कि अगर जरूरत पड़ी तो ये साहिबान गोली चला भी पाएंगे या नहीं, लेकिन नतीजे बड़े चिंताजनक रहे। कुछ पुलिसकर्मी फायर तो दूर की बात, अपनी पिस्तौल में गोली तक लोड नहीं कर पाए। क्या आपको पता है यूपी पुलिस पिस्तौल से नहीं बल्कि मुंह से गोली चलाती है? यकीन नहीं हो रहा तो ये रिपोर्ट देखिए। फायरिंग होने लगी लेकिन एन वक्त पर दारोगा जी की रिवॉल्वर धोखा दे गए तो बदमाश को चकमा देने के लिए दारोगा के साथ वाला सिपाही मुंह से ही गोली चलने की आवाज निकालने लगा। अरे मारो! दोस्तों अब आप ये तो समझ गए होंगे कि पुलिस की यह हालत क्यों हो रही है। अब जानते हैं पुलिस डिपार्टमेंट की हालत कैसे सुधर सकती है। दोस्तों सबसे पहले तो पुलिस डिपार्टमेंट में इन राजनीतिक पार्टियों का इंटरफेयर हमेशा के लिए बंद करवाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में जो भी दिशा निर्देश राज्यों को दिए थे उनको पूरी तरह फॉलो करना चाहिए। बस एक बार इस डिपार्टमेंट से नेताओं का साया हटते ही पुलिस ईमानदारी से अपना काम करने लगेगी। जिस पुलिस को देखते ही आज लोग घबराने लगते हैं, एक दिन उसी पुलिस को देखकर लोग उनको माला पहनाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।